बायो का जितने भी क्वेश्चन आया था ये काफी इजी था। इजी थे उतना भी नहीं लेकिन हाँ इजी था। तो फिजिक्स के पेपर थोड़े से लेंथी थे, केमिस्ट्री मॉडरेट और बायोलॉजी हर बार की तरह इजी। एनसीईआरटी बेस्ड टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर पेपर वाकई में लेंथी था। और एम्स से एमबीबीएस कोर्स करने के लिए प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। परीक्षा केंद्र में तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए परीक्षा केंद्र पर तय समय से आधा घंटा पहले पहुंचना आवश्यक था। इस परीक्षा के आधार पर दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, जम्मू, भटिंडा, गुजरात, हैदराबाद, देवघर, रायपुर, पटना, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, रायबरेली, ऋषिकेश और तेलंगाना आदि के एम्स में एमबीबीएस कोर्सों में दाखिला मिलता है। नाउ इन टर्म्स ऑफ एम्स एग्जाम, कल भी टेस्ट हुआ है, दो शिफ्ट में हुआ है, आज भी दो शिफ्ट चल रहा है। बट जितना भी टेस्ट बच्चों से हमने बात किया हुआ है, जितने भी अच्छे बच्चे हैं, तो उसमें से एक पता चला कि बायो का जितने भी क्वेश्चन आया था ये काफ़ी इजी था, जो नीट में जैसे आया हुआ था एनसीईआरटी बेस्ड बेसिकली। बट द फिजिक्स केमिस्ट्री ये लिटिल बिट ट्विस्टेड लाइक एवरी ईयर, एम्स नीट से थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री इस साल भी थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, मोर ऑर लेस अच्छा मार्क्स आने की उम्मीद है। मेरे भी जितने बच्चे दिए हुए हैं उसमें से आई थिंक बच्चों ने 94-95% तक स्कोरिंग कर रहे हैं, जो हमने अभी एनालिसिस किया हुआ जितने बच्चों का। बाकी तो पूरा टेस्ट खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा। अगर बच्चों को रिकमेंड करने के लिए आगे वाले बच्चों जितने भी हैं जो टेस्ट देंगे उनके लिए बोला जाए तो एनसीईआरटी बुक्स काफ़ी अच्छे से फॉलो करें। थोड़ा सा एक डिफरेंस आता है जो नीट से सिंगल चॉइस के अलावा एसन रीजनिंग टाइप, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, क्योंकि बच्चे जब फर्स्ट टाइम उसको अटेम्प्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये सजेशन रहेगा कि साल भर उसको वो प्रैक्टिस करें, लाइक सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, एसन रीजनिंग टाइप को भी उसी हिसाब से करें। और इस बार का एक अच्छा प्लस पॉइंट गया कि 20 मार्क बच्चों को बड़ी अच्छे से मिल गया। जीके और रीजनिंग बहुत इजी था, तो सारे बच्चों ने उसका 20 का 20 मार्क क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हुए हैं। और जितना भी टेस्ट पैटर्न है सेम है, कोई इस बार चेंजेस नहीं हुआ है। उम्मीद है कि अच्छा मार्क्स सारे बच्चों का आएगा। तो परसेंटाइल बेसिस है, क्योंकि नीट पे डायरेक्टली रैंक दे देता है और यहाँ पे परसेंटाइल बेसिस है, जो टॉपर का मार्क्स को डिपेंड करता है कि बच्चों बाकी बच्चों का क्या परसेंटाइल आएगा। बट वी होप कि हम लोग का जितने भी टॉपर बच्चे हैं सब 99 क्रॉस करेंगे, 99%। टाइम मैनेजमेंट के लिए ये तो साल भर का असेसमेंट है, वो इमिडिएटली एक दिन में करने से नहीं होता है, वो साल भर का प्रैक्टिस करना पड़ता है। लाइक अभी अगर जो बच्चे 12th में हैं या 12th पास आउट कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए एक सजेशन है कि आप सारे बच्चे क्लास 11 को बच्चे छोड़ देते हैं क्लास 12 में जाते जाते ही, तो डेली बेसिस पे वो क्लास 12 का पढ़ाई के साथ एक घंटा कम से कम निकालें जिसमें वो क्लास 11 का रिविज़न करें। ये मैंडेट होता है, और एल्स क्या होता है ना, एक साल के बाद जब हम बैठते हैं कि हम एक महीने में कर लें, तो वो दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। आपको साल भर ये बच्चों को प्रैक्टिस करना पड़ता है कि क्लास 11 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ये रेगुलर इंटरवल में उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया रहेगा ताकि जैसे ही बोर्ड एग्जाम ख़त्म हो इमीडिएटली बच्चों का 11-12 दोनों हो जाए, और एक साल में वो दोनों साल का रिवीजन कर लें ताकि मार्क्स अच्छा आए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 12th में खाली 12 का पढ़ाई शुरू करते हैं, पूरी तरह से बोर्ड फोकस कर लेते हैं, तो एक महीने में वो 11 को पूरा कवर अप करना मुश्किल हो जाता है, तो मार्क्स थोड़ा सा कम आता है। जितने बच्चे करते हैं उनका मार्क्स अच्छा आता है। तो सजेशन यही है कि टाइम मैनेजमेंट, जब भी अपना टाइम टूल बनाए डेली बेसिस पे एक रिवीजन रखें स्लॉट, और जो डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, जैसे मैं हम सारे बच्चों को बोलते हैं कि कोई भी चीज़ दिमाग में 24 घंटे के लिए वैलिड रहता है, तो 24 घंटे में एक बार रिवीजन होना चाहिए। क्लास 11 का रिवीजन के लिए एक घंटे का एक स्लॉट निकाल लें, और क्लास 12 जैसे एज यूजल पढ़ रहे हैं उसको करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखें, बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस का कोई भी चीज़ अचीव नहीं होता है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंपेरेटिव हो जाते हैं कि इसका मार्क्स अच्छा आ रहा है, उसका मार्क्स अच्छा आ रहा है, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, साल भर अपना चीज़ मेंटेन करके रखें तो रिजल्ट श्योर शॉट आएगा। तो जितने ही बच्चे टेस्ट दिए हुए हैं उन लोग के लिए मेरा विशेष है बेस्ट ऑफ लक, अच्छा रिजल्ट लाए, अच्छा रैंक लाए, अपना अपना खानदान का, मम्मी पापा का और बर्ड ऑफ गेस है, एक अच्छा मुकाम पे जाए, मेरी तरफ से ही शुभकामना रहेगा।
फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स के पेपर थोड़े से लेंदी थे, कुछ क्वेश्चन जो था ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा था और टफ भी था। लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में इस बार का क्वेश्चन थोड़ा टफ था और लेंदी था, तो इन सब चीज़ों से ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर क्वेश्चन टफ है लेंदी है तो सबके लिए है, तो ये मेनली क्या हो गया कि अगर टफ है तो स्कोर कम जाएगा, स्कोर कम होगा तो ये सबके लिए कम होगा, तो परसेंटाइल में फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रैंक तो उसी हिसाब से डिसाइड होगा। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जिनका पेपर अच्छा नहीं गया हो तो ये उन्हीं बच्चे का अच्छा नहीं गया होगा जिन लोगों ने पूरे साल भर मेहनत नहीं किया हो। मैं जहाँ तक समझता हूँ जिन्होंने प्रैक्टिस किया, रेगुलर टेस्ट दिया, बुक्स को अच्छे से स्टडी किया, टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ाई किया, उनका अच्छा गया है। और इसमें जो भी है अब तो रिजल्ट आने के बाद ही बच्चों का पता चलेगा। लेवल थोड़ा सा अप हो गया, लेकिन इससे बेनिफिट ये भी है कि वो जो है कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगा फिजिक्स में। बेसिकली मैं बुक्स अगर प्रैक्टिस के लिए बात करूं तो नीट ऑब्जेक्टिव फिजिक्स है डीसी पांडे का, वो एम्स और नीट के लिए काफ़ी अच्छा है। और मैं थ्योरी के लिए बात करूं तो हमारा पैकेज भी काफ़ी अच्छा है, फिर भी अगर कोई और बुक चाहते हैं तो एनसीईआरटी भी है थ्योरी के लिए, और आप जो है कोचिंग के स्टडी मटेरियल को भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो पुराने स्टडी मटेरियल को भी देख सकते हैं। जहाँ तक बात है तो बुक्स के अलावा आपको जो और चीज़ पे फोकस करना है, रेगुलर टेस्ट देना है और आपको जो है टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर ध्यान रखना है। पैटर्न में चेंजेस यही आए कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी और टफ था। मेरा नाम विनय कृष्णा है और मैं सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी आकाश बोकारो में हूँ। कल एम्स का पेपर हुआ, काफ़ी लड़कों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने जैसे रात में कॉल किया था तो मोर और लेस वो प्रॉब्लम में थे फिजिक्स को लेके। एक्चुअली फिजिक्स का पेपर वाकई में लेंदी था, और अगर लेंदी था तो वो सबके लिए लेंदी होगा, केवल उन्हीं के लिए लेंदी नहीं होगा। मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेंदी कहने का मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। अब हमने जैसे उनसे बात किया तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये कहना था कि लगभग वो 120 to 150 के आसपास क्वेश्चंस वो सॉल्व कर पाए। वो 150 क्वेश्चंस भी आज के दिन में सॉल्व कर पाना, मतलब जैसा कि पेपर था, ये एक काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंस है। और जैसा कि पेपर का रिव्यू से पता चला कि कट ऑफ इस बार का रिलेटिवली कम जाएगा, और क्योंकि मैं केमिस्ट्री से बिलोंग कर रहा हूँ तो केमिस्ट्री के बारे में उनका ये कहना था कि केमिस्ट्री रिलेटिवली मॉडरेट पेपर था, मतलब जो जिस तरह का पूछना चाहिए था, जैसा एम्स का एक रेपुटेशन है, लगभग क्वेश्चंस उसी के तरह है। और मॉडरेट क्वेश्चंस कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं थे, मतलब केमिस्ट्री जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही आया। और कई लोग ये बता रहे थे कि जैसे कि उसमें ऑर्गेनिक पोर्शन की बात करें, फिजिकल काफ़ी आसान था, जैसे बॉन्डिंग और ये सारा जो चैप्टर है मोटी और ये सब जो टॉपिक्स था तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो आसान थे और जिन्होंने अच्छा वर्क किया था उनके इसमें मार्क्स आ रहे हैं। और जहाँ तक बात किया जाए ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक पोर्शन के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा रिव्यू दिया कि जो क्वेश्चंस थे वो लगभग उसमें जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, लेकिन मोर और लेस केमिस्ट्री का पेपर ठीक था तो हम लोग बोल सकते हैं केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर जाएगा। लेकिन क्योंकि फिजिक्स का पेपर लेंदी था, अब देखिए किसी को हो सकता है ये प्रॉब्लम हो रखा हो क्योंकि उसने फिजिक्स पहले स्टार्ट किया तो पहले स्टार्ट करने के टाइम जो है टाइम टेकिंग उसमें ज़्यादा हो गया, तो मोर और लेस उनका जो क्वेश्चन का अटैम्प्ट था वो रिलेटिवली कम हो पाया। बट ठीक है, कोई बात नहीं, लगभग ये सबके साथ ऐसा है। बट जिन्होंने पहले बायोलॉजी फोकस करा, क्योंकि बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी दोनों ही इजी पोर्शन था, और वहीं केमिस्ट्री का अगर मॉडरेट था, अगर उसके बाद उन्होंने केमिस्ट्री को ऑप्ट किया होगा तो रिलेटिवली वो अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, फिजिक्स थोड़ा सा लेंदी होने की वजह से लगभग कट ऑफ इस साल कम हो जाएगा, वाला पोर्शन इजी था, बॉटनी जूलॉजी दोनों ही इजी पोर्शन था, और वहीं केमिस्ट्री का अगर मॉडरेट था, अगर उसके बाद उन्होंने केमिस्ट्री को ऑप्ट किया होगा तो रिलेटिवली वो अच्छा स्कोर करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा था एम्स के बारे में कि ओवरऑल पेपर जो था उसमें फिजिक्स थोड़ा टफ था, उसके बाद केमिस्ट्री की बात आई तो केमिस्ट्री भी ओवरऑल ठीक था। बायो तो बायो के सब्जेक्ट की बात जब करेंगे तो बायो सबसे ठीक था, मतलब बच्चों के रेस्पेक्ट से सोचेंगे अगर तो बच्चों के रेस्पेक्ट से वो बहुत अच्छा था, और रिलेटिवली अगर लो है तो इसका मतलब है कि थोड़ा कट ऑफ ऊपर जाएगा रिलेटिवली। उसकी तुलना में अगर करें तो सब बच्चों के लिए ये अप्लीकेबल होगा। जेनेटिक्स से ज़्यादा प्रॉब्लम था,
और प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी में रिलेटिवली बहुत कम क्वेश्चन था, जहाँ पर होना चाहिए था क्वेश्चन। टैक्सोनॉमी से भी था, टैक्सोनॉमी से भी क्वेश्चन थे, बच्चों ने किया भी था, जिन बच्चों से बात हुई बच्चों ने अच्छा किया है और अच्छा करेंगे, इसका मतलब है कि रिजल्ट अच्छा आएगा ओवरऑल। तो जो बच्चों ने किया है उनको कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने किया है ओवरऑल, और जो नहीं कर पाए हैं वो तो उनके लिए टफ तो था ही। एम्स वैसे भी सबसे ज़्यादा टफ एग्जामिनेशन से, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे से परफॉर्म जिन्होंने भी किया है उनका अच्छा परफॉर्मेंस होगा ही, और ओवरऑल थोड़ा बहुत टफ था फिजिक्स जो बहुत ज़्यादा टफ था उन बच्चों के रिस्पेक्ट, थोड़ा बहुत चेंजेज हुए हैं, बट आए हम समझ रहे हैं कि फिजिक्स वाला जो पार्ट था ना वो रिलेटिवली ज़्यादा टफ था बच्चों के लिए। जहाँ तक एम्स 2019 के क्वेश्चन पेपर की बात है तो ये प्रीवियस ईयर के कंपेयर में कहीं ना कहीं थोड़ा इजी पेपर है। जब हमने स्टूडेंट से बात की, वैसे बच्चे जो हमारे यहाँ से अपीयर हुए थे या और भी बहुत सारे बच्चे, तो उन्होंने कहा कि फिजिक्स का जो सेक्शन है, या हमने भी जो एनालाइज़ किया जो फिजिक्स का सेक्शन है वो थोड़ा टफ है, थोड़ा लेंदियर है, और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स ज़्यादा स्कोरिंग है। एंड ओवरऑल अगर आप कंपैरिजन की बात करते हैं तो इस साल का जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर के कंपेयर में इजीयर है, हालांकि ये नीट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा वास्ट पेपर है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि पिछले साल के कंपेयर में इस बार चूँकि पेपर थोड़ा आसान है तो कट ऑफ थोड़े ऊपर रहने की संभावना है।